आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम मनोज पांडे और आप देख रहे हैं ईवी हिंदी। और दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए टेस्ट राइड बैनलिंग के लेटेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर बिलीफ की। बैनलिंग दोस्तों वो इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी है जो कि टॉप 10 बेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की कंपनी में आपको इसका नाम ज़रूर देखने को मिलेगा। और आज हम टेस्ट राइड करेंगे इसके इस लेटेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर के मॉडल बिलीफ को। लेकिन टेस्ट राइड पर जाने से पहले मैंने सोचा क्यों ना आपको थोड़ा सा वॉक अराउंड दे दिया जाए इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में। तो चलिए थोड़ी सी स्पेसिफिकेशंस को जानते हैं इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसके फ्रंट लुक के बारे में। तो देखिए दोस्तों, अगर यहाँ से फ्रंट की तरफ से देखेंगे तो काफ़ी मस्कुलर है ये इलेक्ट्रिक स्कूटर सामने की तरफ से। और यहाँ पर अभी ये इलेक्ट्रिक स्कूटर व्हाइट कलर में है। टोटल 5 आपको कलर्स देखने को मिल जाएंगे इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में, जैसे ब्लैक, व्हाइट, पर्पल, येलो, इस तरीके से। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा ड्यूल टोन में इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जैसे कि ब्लैक और व्हाइट का यहाँ पर कॉम्बिनेशन देखने को मुझे मिल रहा है। और यहाँ पर बैनलिंग की आपको बैजिंग देखने को मिलेगी, जो कि प्लास्टिक की नहीं है, जो रबर काइंड ऑफ स्टिकर्स आते हैं उसकी यहाँ पर बैजिंग दी गई है। फिर यहाँ पर लाइसेंस प्लेट आप लगा सकते हैं। काफ़ी बड़ी लाइट यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, जिनमें अगर आप देखेंगे तो LED लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है। सामने की तरफ जो हेडलैम्प है उनके नीचे यहाँ पे बल्ब्स भी यूज़ किए गए हैं। और इंडिकेटर दोस्तों अगर आप देख रहे होंगे तो इंडिकेटर में LED नहीं बल्ब का इस्तेमाल किया गया, जो कि इस तरीके से नीचे की तरफ है। कई स्कूटर्स में यहाँ पर सामने की तरफ इंडिकेटर होते हैं ऊपर की तरफ, लेकिन यहाँ नीचे की तरफ इंडिकेटर्स दिए गए हैं। अब हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ट्यूबलेस टायर्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कि 90x90 के 12 इंचेस के टायर्स हैं। और साथ में इसके आपको डिस्क ब्रेक मिलता है। इस तरह के रिफ्लेक्टर्स आपको दोनों साइड पर देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दोस्तों देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं लेफ्ट साइड से इस बैनलिंग के बिलीव इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में। तो लेफ्ट साइड से अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जो मेरी नज़र गई वो सीट लेंथ पर गई। तो देखिए कितनी लंबी यहाँ पर आपको सीट देखने को मिलती है, तो जिसका मतलब आराम से यहाँ पर 2 लोग बैठ पाएंगे और उनको काफ़ी अच्छा यहाँ पर कम्फर्ट देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि सीट में एक इस तरह का पार्टीशन भी दिया गया है, सीट को काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया गया है ड्राइवर और पिलियन के लिए, तो काफ़ी कम्फर्टेबल होगी। लेकिन कितनी कम्फर्टेबल होगी टेस्ट राइड के दौरान मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। यहाँ पर अगर हम बात करें इसके स्टैंड्स की, तो यहाँ पर आपको साइड स्टैंड और डबल स्टैंड भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। लेकिन साइड स्टैंड सेंसर होता तो थोड़ा सा और अच्छा हो जाता, चेरी ऑन द केक हो जाती है यहाँ पर बात। व्हील बेस की अगर हम बात करें तो 1420 mm अप्रॉक्स आपको व्हील बेस मिलता है। और जो ग्राउंड क्लियरेंस है दोस्तों वो करीब 150 से 160 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में मिल जाता है। अब अगर हम बात करें लेग रूम की, तो यहाँ पर अगर आप लेग रूम देखेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पर लेग रूम आपको देखने को मिल जाता है। ज़्यादा कोई ऐसी दिक्कत आपको इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में नहीं होगी। अब दोस्तों अगर इसके रेयर साइड की बात करें, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो BLDC मोटर का इस्तेमाल किया गया है, जो कि 3.2 kWh जिसकी पीक पावर है, जिसके साथ यहाँ पर ड्यूल शॉक सस्पेंशन भी दे दिए गए हैं। और यहाँ पर इस तरह का आपको साइड स्टेप देखने को मिलता है। और यहाँ पर इस तरह के आपको स्प्रिंग लोडेड यहाँ पर फुटरेस्ट देखने को मिलते हैं पिलियन के लिए, जिसका मतलब आपको बार बार फुटरेस्ट जो आपको बंद नहीं करने पड़ेंगे, अपने आप ये बंद ही रहते हैं। बस आप जब बैठेंगे तो पैरों से आप इसको खोल कर बैठ सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर LED लाइट का इस्तेमाल किया गया टेल लैंप में, जिसके साथ आपको अगेन इंडिकेटर्स में बल्ब का इस्तेमाल किया गया। और यहाँ पर एक छोटी सी लाइट दी गई है अगर आप देख रहे होंगे नंबर प्लेट के लिए। और इस तरह के आपको रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, फाइबर का मड गार्ड मिलता है, यहाँ पर भी एक रिफ्लेक्टर दिया गया है। रेयर साइड में भी 90x90 12 इंचेस के टायर का इस्तेमाल किया गया है, जिसके साथ वही अगेन ड्यूल शॉक सस्पेंशन जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। लेकिन एक मड गार्ड यहाँ पर अंदर की तरफ भी दिया गया है, ताकि जो टायर है उससे जो कीचड़ है बैटरी की तरफ ना जाए। यहाँ पर भी एक छोटा सा मड गार्ड यहाँ पर लगाया गया है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसका बैटरी पैक रखा गया है, जो कि रिमूवेबल है। मैं आपको बूट स्पेस खोल के बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर बूट स्पेस खोलने के लिए की नॉब रेयर साइड में ही दिया गया है, सामने की तरफ से आप नहीं खोल सकते बूट स्पेस। तो यहाँ से अगर हम इसको खोलते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बूट स्पेस में बहुत कम ही आपको स्पेस देखने को मिलेगा। आप छोटा मोटा सामान रख सकते हैं, जो कि इतनी स्पेस अगर आपको मिल जाएगी जहाँ पर यहाँ पर किट वगैरह रखी गई है बैनलिंग की तरफ से। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो करीबन 30 किलो का बैटरी पैक है, हालांकि रिमूवेबल है, पर 30 किलो कौन ही रिमूव करेगा। इसलिए यहाँ पर आप इसको बैटरी को ज़्यादा रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से भी चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर भी एक चार्ज करने के लिए जो है स्विच दिया गया है, और रिमूव करके भी आप चार्ज कर सकते हैं इस तरीके से। अगर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा क्लोजअप में, तो यहाँ पर MCB स्विच दोस्तों इस तरीके से दिया गया है इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में। और इस बैटरी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर दोस्तों 3.1 kWh के लिथियम आयन LFP केमिस्ट्री में बैटरी का इस्तेमाल किया गया, जिसको आप 10 एम्पियर के चार्जर की मदद से 4 से 5 घंटे में फुल चार्ज कर सकते हैं। और LFP केमिस्ट्री में बैटरी, इसलिए काफ़ी बड़ा बैटरी पैक इसमें दिया गया। आपने बहुत सी बैटरीज में देखा होगा कि सिर्फ एक हैंडल होता है बैटरी को उठाने के लिए, और यहाँ पर 2 हैंडल दिए गए, तो आप समझ सकते हैं कितनी भारी ये बैटरी होने वाली है। तो चलिए अब करते हैं इसके बूट स्पेस को बंद, क्योंकि हमने इसकी शुरू करनी है टेस्ट राइड। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर
बैजिंग बैनलिंग की तरफ से दी गई है डिज़ाइनिंग में। तो दोस्तों ये तो था आपका रेयर साइड का बूट स्पेस, और यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस आपको पीछे की तरफ भी मिल जाती है जहाँ पर आपको सामान रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फ्रंट में भी आपको एक थोड़ा सा स्पेस देखने को मिल जाता है जहाँ पर आप अपने फ़ोन वगैरह रख सकते हैं। और यहाँ पर इस मॉडल में अभी USB चार्जर नहीं है, लेकिन जैसा कि मेरी इनके डीलर से बात हुई तो उन्होंने बताया था कि जो प्रोडक्ट कस्टमर को दिया जाएगा वहाँ पर एक USB पोर्ट देखने को आपको मिल सकता है। और इसी के साथ यहाँ पर आप इस तरह का एक हुक भी देख पा रहे होंगे जिसमें आप सामान रख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का एक छोटा सा वॉक अराउंड, लेकिन ये इलेक्ट्रिक स्कूटर चलता कैसा है, कैसी इससे वाइब आती है जब आप इसे सड़क पर चलाएंगे, वो सब मैं डिटेल्स आपको बताऊंगा, और जो भी इन्फॉर्मेशन अभी रह गई है वो भी मैं आपको टेस्ट राइड में बता दूंगा। तो चलिए इसकी टेस्ट राइड शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी हम फर्स्ट मोड में चल रहे हैं, और यहाँ पर फर्स्ट मोड में आप देख सकते हैं 35 किलोमीटर की स्पीड यहाँ पर शो करता है। और फर्स्ट मोड में यानी कि इको मोड में ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है आपको कंपनी क्लेम करती है कि 120 किलोमीटर तक की रेंज दे सकता है। तो 37 किलोमीटर की स्पीड आपको फर्स्ट मोड में मिल जाती है। सेकंड मोड में अगर हम जाते हैं, देखिए यहाँ पर मोड स्विच करने के लिए सिर्फ एक बटन दिया गया है, कोई लेवल करके कोई बटन नहीं दिया गया जिसमें आप फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल थर्ड लेवल पर जाते हैं। आपको एक ही बटन से सभी चारों मोड्स पर जाने का मौका मिलता है। तो इसका मतलब थोड़ा सा इसमें क्या हो जाता है कि अगर आप मान लीजिए सेकंड मोड में और आपको फर्स्ट मोड में आना है तो अगेन आपको उसके लिए थर्ड मोड में जाना पड़ेगा, फिर फोर्थ मोड में जाना पड़ेगा, फिर आप फर्स्ट मोड में आ पाएंगे। अगर वो स्विच वाला बटन रहता है तो उससे क्या होता है कि आप सेकंड के बाद सीधा पीछे को प्रेस करेंगे तो आप फर्स्ट मोड में चले जाते हैं, वो उसका एक बेनिफिट होता है। लेकिन इसमें जो है एक ही बटन उसकी जगह पर दिया गया है। साथ ही सेकंड मोड में अगर आप देख पा रहे होंगे तो 47 किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड मिलती है। चलिए अब थर्ड मोड में चलते हैं। तो एक्सेलरेशन दोस्तों इसका काफ़ी अच्छा है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको 0 to 40 लगभग 6 सेकंड का एक्सेलरेशन देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छा फील करता है। और चलाने वक्त इस स्कूटर की जो सीटिंग कंफर्ट है वो बहुत अच्छा है दोस्तों। जो ड्राइवर है वो बिल्कुल भी पीछे की तरफ खिसक नहीं सकता है, क्योंकि सीट का जो पार्टीशन किया गया है बीच में वो बहुत ज़्यादा कमाल का है। उससे जो पिलियन है और राइडर के बीच में एक डिफरेंस बना रहता है, और काफ़ी अच्छा सीटिंग कंफर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। लेग रूम में भी आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है। जो लॉन्ग हाइट पर्सन है, जो लंबे कद के लोग हैं, उनके लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर ज़्यादा बेहतर होगा चलाने के लिए, क्योंकि जो उसका ग्राउंड क्लियरेंस है काफ़ी ऊपर है, और ये स्कूटर भी थोड़ा सा ना मस्कुलर लुक देता है, तो उन पर ज़्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटर सूट करेगा। इसी के साथ बटन्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको हैजार्ड बटन देखने को मिल जाता है यहाँ पर, जो कि सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा बटन है। और इसी के साथ आपको इस तरह से इंडिकेटर में अगर हम ट्राई करें दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए आप, इंडिकेटर में साउंड नहीं है। अगर साउंड होता तो ज़्यादा बेहतर होता। और थर्ड मोड में आपको 61 की टॉप स्पीड मिल जाती है। अब चलिए चलते हैं फोर्थ मोड में। फोर्थ मोड में हम जा रहे हैं, 62 पहुंच गए, देखते हैं 75 जा पाते हैं। तो 65 पे सुई अटक चुकी है स्कूटर की, 66 होके 66, तो कंपनी लगभग 70-75 की स्पीड क्लेम करती है, लेकिन मैं 66 तक ही जा पाया हूँ इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में टॉप स्पीड। तो ये कुछ मेरा एक्सपीरियंस है कि मुझे टॉप स्पीड तो इसकी 66 ही मिली है। इसी के साथ अगर बटन्स क्वालिटी की बात करूँ तो ऑल ओवर अच्छी क्वालिटी के बटन्स इस पूरे इलेक्ट्रिक स्कूटर में इस्तेमाल किया गया। अगर आप इस तरह से हाई बीम लो बीम डिपर देते हैं तो इस तरह से यहाँ पर आपको साइन देखने को मिल जाता है दोस्तों। और इसी के साथ आपको हॉर्न सुनिए, काफ़ी तीखा और लाउड हॉर्न इसमें दिया गया है। ब्रेक्स अगर बात करूँ तो अच्छी खासी ब्रेक, कॉम्बी ब्रेक्स इसमें सामने की तरफ और रेयर साइड में डिस्क ब्रेक मिलती है। तो अगर हम ब्रेक्स की बात करें, अगर आप दोनों ब्रेक प्रेस करते हैं तो अच्छे से, मतलब काफ़ी अच्छा ब्रेकिंग एक्सपीरियंस है मेरा इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में। काफ़ी अच्छे से ब्रेक लग जाती है और काफ़ी अच्छा कंट्रोल आपको इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में मिल जाता है। रोड काफ़ी अच्छी है। तो सस्पेंशन की इसमें अभी मैं ज़्यादा आपको बता नहीं पाऊंगा, लेकिन मैंने थोड़ा सा पीछे से ख़राब रोड में चलाया था तो वहाँ पर पूरा जो स्कूटर है जैसे फाइबर का इसमें ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, तो खड़खड़ाहट थी वहाँ पर, लेकिन सस्पेंशन में मुझे इतनी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में। इसी के साथ अगर आप बटन्स को देखेंगे तो इसमें आपको रिवर्स मोड, क्रूज़ कंट्रोल जैसे ज़्यादा फीचर्स नहीं मिलते, ना ही इसमें आपको मोबाइल कनेक्टिविटी के कुछ ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं। नॉर्मल ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है, और लेकिन इसमें आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग देखने को मिलती है। देखिए जैसे जैसे मैं ब्रेक प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर देखिए आपको एक मार्क देखने को मिल रहा होगा। इसी के साथ आपको यहाँ पर एक सेटिंग का बटन मिल जाता है दोस्तों, जिसका मतलब ये है कि देखिए कभी कल के दिन अगर आपके स्कूटर में कोई दिक्कत आ जाती है, मान लीजिए जैसे कंट्रोलर में अगर कोई ख़राबी आती है, तो अगर आप इस बटन को प्रेस करेंगे कुछ देर के लिए तो उसके बाद एक ये इलेक्ट्रिक स्कूटर उस मोड में चले जाता है जहाँ पर आपको ये इलेक्ट्रिक स्कूटर उस हालत में भी 25 किलोमीटर तक की रेंज दे देगा, और 25 किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड आपको उस कंडीशन में इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में मिलेगी। जो इसका फोर्थ मोड है दोस्तों, उस मोड में आपको इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में 70-75 किलोमीटर की रेंज कंपनी क्लेम करती है।
बाकी दोस्तों, अगर आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को ट्रैफिक भरी सड़कों पर चलाएंगे जहां पर आपको छोटे छोटे टर्न्स लेने हैं, गाड़ियों को ओवरटेक करना है, तो वहां पर आपको इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की हैंडलिंग में थोड़ा सा कमी यहां पर आपको महसूस होगी जब आप शुरू शुरू में इसे चलाएंगे। बाकी अगर आप टाइम के साथ साथ इसके जब हैबिचुअल हो जाएंगे तो फिर तो वो आपकी एक आदत सी बन जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, अगर मैं बात करूं इसके परफॉर्मेंस की, तो ओवरऑल मुझे अभी तक इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया लगी है। और जहां जहां पर स्पीड ब्रेकर्स आ रहे हैं, जहां जहां पर रोड थोड़ी ख़राब है, तो वहां पर ये स्कूटर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बिल्कुल भी मुझे डिस्कम्फर्ट महसूस नहीं हो रहा है। सस्पेंशन इसके अच्छे से काम कर रहे हैं और इसमें जो टायर्स है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि 12 इंच के टायर्स दिए गए हैं 90x90 के, तो अच्छा खासा गड्ढों को जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है पार कर जाता है। बाकी दोस्तों, ये इलेक्ट्रिक स्कूटर चलते टाइम बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करता है, बिल्कुल ही साइलेंट एक्सपीरियंस है इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का। और इंडिकेटर्स तक में आवाज़ नहीं है, सिर्फ हॉर्न की आवाज़ आपको इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में देखने को मिलेगी। बाकी अभी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में दोस्तों यहाँ पर रेयर साइड व्यू मिरर्स नहीं लगाए गए हैं, तो उसकी विजिबिलिटी के बारे में मैं भी आपको नहीं बता पाऊँगा। तो अब आप देख सकते हैं इसका ओडोमीटर पहुंच चुका है 39 किलोमीटर पर और उसकी बैटरी जो है 62% पर आ चुकी है और हमने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को सभी मोड्स पर चलाया है। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं बैनलिंग के शोरूम में। यहां पर अगर आप देख सकते हैं इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को वापस करने के लिए, लेकिन वापस करने से पहले मैं ज़रूर जानूंगा इनसे इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की प्राइस और क्या वारंटी आपको इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में मिलेगी और किस तरह से आपको इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की सर्विस देखने को मिलती है। तो चलिए बात करते हैं इसके डीलर से। तो दर्शकों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस एसके मोटर्स बैनलिंग के डीलर रंजीत कुमार जी। सो सर, अभी हमने आपका पूरा इलेक्ट्रिक स्कूटर टेस्ट राइड किया, उसको वॉक अराउंड किया। मेरे कुछ सवाल थे कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का ऑन रोड प्राइस क्या है सर? ऑन रोड प्राइस भी अभी तक कंफर्म नहीं हुए हैं जी। एक्सशोरूम प्राइस आया थी 97,200 एक्सशोरूम प्राइस आया 97,200 एक्सशोरूम प्राइस। हाँ, उसके बाद कुछ एक्सेसरीज भी रहती है उस प्राइस में कि एक्सेसरीज अलग से देने होंगे? अलग से देते हैं। क्या क्या एक्सेसरीज यहाँ पर मिल जाती है सर? राउंड गार्ड देते हैं, स्टील गार्ड देते हैं जी, एसएस का स्टील गार्ड आते हैं जी, एक फुट मैट आते हैं जी, मिरर्स आते हैं और हेलमेट आते हैं जी। ये सब चीज़ें आप एक्सेसरीज में देते हैं, ठीक है सर। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर कितने कलर्स में अवेलेबल है सर? 6 कलर्स जी। नेचुरल ग्रे है, पर्पल है, वाइट है, ब्लैक है, येल्लो है और ब्लू कलर है जी। और इसी के साथ इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में सर्विस किस तरह से प्रोवाइड करते हैं आप? हम सर्विस है, 3 फ्री सर्विस होता है जी कंपनी के तरफ से, 3 होते हैं हमारा डीलरशिप में। ये दशहरा को और 2 फ्री देने के लिए सोच रहे हैं। अच्छा, दशहरा से दशहरा और दीपावली है ना, इसके करते तो मतलब 5 फ्री सर्विस हो जाएंगी। वैसे 3 फ्री सर्विस आप देते हैं इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में, कितने टाइम पीरियड के साथ? 6-6 महीने बाद या 1 साल बाद? नहीं, फर्स्ट सर्विस होता है 1st महीने में होता है। अच्छा, सेकेंड सर्विस 3 महीने में होता है जी, थर्ड सर्विस 6 महीने में होता है। अच्छा, और जो इसके मोटर कंट्रोलर बैटरी, इस पर क्या वारंटी मिल जाएगी सर? 3 ईयर्स वारंटी कंपनी से तरह, 3 ईयर्स मोटर कंट्रोलर और बैटरी पर। बैटरी पर कितने किलोमीटर्स तक के लिए वारंटी? 50,000 किलोमीटर्स के लिए। और इसके साथ सर चार्जर में भी कोई वारंटी रहती है? 1 साल रहती है चार्जर में, 1 साल की वारंटी मिलती है। और ऑल ओवर जो व्हीकल है, ऑल ओवर व्हीकल में बोलेगा तो अलग अलग पार्ट में अलग अलग वारंटी रहता है, MCB, थ्रॉटल और हार्नेस, ये इसको 6 मंथ्स वारंटी रहते हैं। अच्छा, हाँ, ऐसा ऐसे कलर पे 1 ईयर वारंटी रहता है। अच्छा, ऐसा ऐसा अलग अलग पार्ट में अलग अलग वारंटी रहती है। ओके। बाकी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में कोई आप रोड साइड असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं? हाँ जी, गाड़ी में रहता है, गाड़ी में ऑलरेडी स्मार्ट पार्किंग स्मार्ट स्विच है जी, वो होता है और उसको भी नहीं हो सकेगा तो हम आएगा। अच्छा, आप किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं आपसे, मतलब? हाँ, हमारा नंबर मिले हमारे नंबर में तो आप उनको व्हाट्सएप पर या कॉल करके? व्हाट्सएप और कॉल करेगा तो हमारा सर्विस एजेंट आते हैं उधर, हमारा गाड़ी है और गाड़ी लेके। अगर पहली जो 3 सर्विस फ्री जो हट जाए तो उसके बाद जो सर्विस होगी उसके कितने चार्जेस होंगे सर? चार्जेस तो कम ही होते सर, क्योंकि हमारा सर्विस भी कम होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, इसलिए कम ही होता है। कितना होता है? 200-300 होता है, 200 के आसपास चार्ज रहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थे रंजीत कुमार एसके मोटर्स के डीलर, यहाँ पर सूर्यापेट में इनका शोरूम है। तो इन्होंने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की वारंटी के बारे में, सर्विस के बारे में, प्राइस के बारे में कुछ डिटेल्स हमसे साझा करी। अब आपके क्या विचार है इस पेंडिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर आप यहां तक देख चुके हैं तो कृपया नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही ईवी संबंधित जानकारी हम आप तक पहुँचाते रहे। अब मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गो ग्रीन, गो इलेक्ट्रिक।